बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सबका ठीक ठाक है? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। और आज जी ईद का दिन है, ईद की सुबह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। तो इसके बाद हम जी आपको दिखाएंगे कि आज हमारी ईद की सुबह की क्या रूटीन होती है। ईद वाले दिन जी मेरा सबसे पहला ये काम होता है कि मैं सबसे पहले ना चने और आलू जो है वो बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ईद के साथ सबसे बड़ी जो आज खुशी की बात है ना, वो ये है कि आज मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। बारिश भी नहीं हुई, यानी कि गीला गीला भी कुछ नहीं है और ठंडी हवाएं चल रही है माशाल्लाह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा जी जाते जाते बकरे को जरा अच्छी तरह से खिला पिला देते हैं। अभी और पानी डालना इसके अंदर भी। सुबह सुबह छुरियां तेज कर रहे हैं क्योंकि दोनों बकरों को, एक हमारा और एक अम्मी लोगों का, दोनों को तकबीर इन्होंने ही फेरनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आलू और चने मेरे उबल गए हैं तो मैं अब इनकी जल्दी जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ। और उसके साथ मैं बनाऊंगी जी मैंगो का शेक, क्योंकि नमाज पढ़ते ही भाई और अब्बू ईद मिलने आ जाते हैं तो फिर सुबह सुबह ना तो कोल्ड ड्रिंक पी जाती है और ना ही वो नाश्ते से पहले चाय पीते हैं। तो फिर मैंने कहा आज ऐसे करते हैं कि जूस ही बना लेते हैं। माशाल्लाह जी, बच्चे नमाज के लिए तैयार हो गए हैं तो अवैस हैदर को कंघी कर देती हूँ मैं। अवैस हैदर बड़ा प्यारा लग रहा है जी माशाल्लाह। चलो जी चले जी, माशाल्लाह तीनों बाप बेटा तैयार हो गया और तीनों की मैचिंग हो गई है। ये इत्तेफाक से हो गई है, ये नहीं थी हमने ईद की नमाज के लिए। बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हू अकबर। आज जी बकरा देखे कैसे शरीफ होके खड़ा हुआ है। पहले हम इसको घर बांध नहीं पाए इसलिए कि ये इतना शोर करता था, तो आज पता नहीं क्यों ये इतना उदास उदास करके खड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज जैसे ही खत्म हुई है ना तो मेरी सारी चीजें जो है वो पूरी हो गई हैं। तो मैंने टेबल सजा दी है क्योंकि बड़ी ईद वाले दिन ना भाई लोग जरा भी रुकते नहीं है। मैंने जी आलू चने टमाटर हरी मिर्ची वगैरह मिक्स कर दिए हैं। ये मैंने रायता अलग से बना दिया है, ये प्याज भी काट के धो के रख दी है। और यहाँ पे मैंने बना लिया जी जूस, और ये पड़ा जी चाट मसाला, ये अलग रख लिया जिस किसी ने डालना हो। और इसके अलावा मैं बना रही हूँ जी पिज्जा पराठा, तो वो अभी बांध रहा चूल्हे पे पड़ा, जैसे ही वो आएंगे ना तो मैं गरम गरम उनके आगे पेश करूंगी। आओ जी ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाकी सारी चीजें मेहमानों ने खा ली हैं तो अब हो गया जी तैयार ये पिज्जा पराठा हमारा। तो ये आप करीब से इसका लुक देख लें जी, अब इसको काट लेते हैं जी। इकबाल साहब ने जी वर्दी पहन ली है किसाइयों वाली, तो आखिरी जो है चारा खिला रहे हैं बकरे को। भूखा तो भूखा नहीं ना करना चाहिए कुर्बानी? नहीं नहीं, मतलब वो जितना खा सकता है, पानी शानी पी सकता है, पिलाना चाहिए ना पहले। चलो जी हरी, आपको डर नहीं लगता? हम लोग जी जितनी मर्जी मेहंदियां लगा लें, जितने मर्जी फेशियल करा लें, आखिरकार हमने करना यही कुछ होता है। चाहे ईद हो चाहे शबरात हो, कुछ भी हो जी, खवातीन की ड्यूटियां जो है ना वो खत्म नहीं होती। हमें तो छुट्टी नहीं होती जी कभी भी, मर्दों को फिर भी छुट्टी हो जाती है। हर किसी को ईद की छुट्टी है लेकिन हमें ईद की छुट्टी भी नहीं है जी। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारे शान है औरतों की। अब मैं जी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ किचन साफ, जितनी देर इकबाल साहब गए हैं बकरा जबा करने,
वो गोश्त लेके आ जाएंगे, तो उनके आने से पहले पहले मैं जल्दी से किचन साफ कर लेती हूँ। और बच्चे भी साथ चले गए हैं, बच्चे आएंगे तो फिर उनको अभी ईद के कपड़े पहनाने हैं, ये तो उन्होंने नमाज के लिए पहने थे ना, तो फिर उनको दोबारा से तैयार करना। अब मैं जल्दी से किचन साफ कर लेती हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बकरा ज़बह हो गया और गोश्त भी हमारा घर होके आ गया। और अब थोड़ा सा काम रह गया था, तो वो इकबाल साहब जो है अभी कर रहे हैं, इसके बाद जी हम इसके हिस्से करेंगे और जिन जिन का हक है उस पर तकसीम करते हैं। उनके पास कुछ बच्चे भी आए हुए बाहर लेने के लिए, उनको भी देते हैं और रिश्तेदारों का रिश्तेदारों को पहुँचाते हैं, और उसके बाद फिर खुद भी पकाएंगे जी इंशाल्लाह। तो अब जी इसके बाद हम बच्चों को तैयार कर लेते हैं। अब इधर को बहुत जल्दी पड़ी हुई है कि मामा मुझे कपड़े दें। माशाल्लाह जी, बच्चों ने कपड़े पहन लिए अब ईद वाले, तो अब बारी आ जाती है जी ईद ही देने की, तो शुरू करते हैं जी। माशाल्लाह वैसे देखो, पहले सजे को देखे रात को आने वाला भी सजे को देखे पहले चले। आप पापा की बारी ईद वाले दिन जी हमारे घर में बड़ी ईद वाले दिन हमारे घर में ना खाना कम ही बनता है, क्योंकि वाल साहब उधर जाते हैं बकरा ज़बह करने, तो वहाँ जो कलेजी सजी पकती है वो खाते हैं, और अम्मी लोग मुझे भी भेज देते हैं इधर। और हम लोग कभी शाम को बना लेते हैं अगर दिल करे, नहीं तो वैसे नेक्स्ट डे ही हमारा खाना बनता है। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ अम्मी से मिलने ईद, तो आप सब बहन भाई हमें इजाज़त दें। आप सबको मेरी तरफ से एक दफा फिर जी ईद मुबारक, खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।